हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बजट के बारे में। अब लोग सोच रहे होंगे कि बजट तो बहुत दिन हो गया, 1 तारीख को आया, आज 6 तारीख चल रहा है, या अभी शायद मैं वीडियो जब तक डालूंगा 7 तारीख हो जाएगा। तो आप लोग सोचोगे कि इतना लेट। देखो, मार्केट सीरियस पार्टिसिपेंट्स के लिए है। आप बजट को थोड़ा समझो, बजट को पढ़ने में टाइम चाहिए, समझने में टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ बजट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये बजट आप लोगों लग रहा होगा कि कुछ नहीं था खास, लेकिन ये बहुत खास बजट था क्योंकि इस बजट में कंटिन्यूटी है। और जिस गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी होता है, उन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन होता है, वही बजट ज़्यादा अच्छा होता है और वही डेवलपमेंट में काम आता है। आप यूएस में देखोगे कि यूएस में भी बजट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते। जब भी गवर्नमेंट कंटिन्यू होता है तो गवर्नमेंट को भरोसा है कि कंटिन्यू करेगा और बहुत आगे तक कंटिन्यू करेगा। तो उन लोगों का जो बजट का जो एस्टिमेट्स है वो सब लॉन्गजिविटी के लिए है, कि लॉन्ग टर्म विजन के लिए। तो अभी मैं आपको एक स्लाइड अभी आएगा और इस स्लाइड को देख के भाग मत जाना, क्योंकि स्लाइड के बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे कर सकते। तो आई होप आप लोगों ने स्लाइड देखा और स्लाइड के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे। देखो, ये जो स्लाइड में सारे जो मैं 27 पॉइंट्स दिए हैं, इस 27 सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है। इस गवर्नमेंट के 27 सेक्टर्स में फोकस है और कितना कहाँ पर एक्सपेंडिचर करेंगे इसका एक अपना एस्टिमेट दिया है ना, तो उसका पूरा मैंने आपको लिख के दे दिया। तो अभी इसको अभी प्ले कैसे करना है, देखो, जो भी सेक्टर से आप ढूंढो ईच 27 का, हर आप गूगल करो या फिर कुछ भी करो, आजकल बहुत सारे AI टूल भी है, उसके सहारे आप जा सकते हो, जाके ढूंढो कि एक एक सेक्टर का नाम लिखो जो जो मैंने लिखा है, जैसे आवाज योजना हो गया, ऐसा टाइप का लिखो। लिखने के बाद उसमें कौन सा वो स्टॉक्स वो कैटर करता है, कौन सा वो स्टॉक्स उसमें आएगा, उस क्राइटेरिया में गिरेगा, देन उस स्टॉक्स का पिक करो। देन उस स्टॉक्स का कुछ फंडामेंटल्स चेक करो कि उसका कुछ वैल्यूएशन देखो, हाई वैल्यूएशन में ना कैसा है। तीन चीज़ें देखो, ज़्यादा नहीं, बस तीन चीज़ें फंडामेंटल में करो, प्राइस टू बुक PV, PE प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और EPS अर्निंग पर शेयर और ग्रोथ हो रहा है। EPS ग्रोथ देखो, PV और PE देखो कि सेक्टर के उसमें कंपैरिजन में कैसा है, अगर मीडियन है और अगर लो है तब तो अच्छा है, मीडियन है तब भी चलेगा, लेकिन आप उसको स्टडी करो, उसको टेक्निकली स्टडी करो, सब कुछ स्टडी करो। ये सब जो थीम्स है और जो जो स्टॉक प्ले करेगा इसमें, ये डिकेडल थीम्स है, इसमें आपको डिकेड्स के लिए ये थीम है। तो इसके लिए आपको कि आज ही बाय करना है, बजट के दिन छूट गया छूट गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको जब भी मार्केट में थोड़ा जर्क आएंगे, जब ये सब स्टॉक्स थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएंगे, जब स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे आएंगे, तब उस स्टॉक्स में जाके आप लोग उसको बाय कर सकते हो। स्टडी करो, बजट में जो आया उसको स्टडी करो। स्टडी करने से होगा, ये मैंने फर्स्ट में बताया कि मार्केट इज फॉर सीरियस पार्टिसिपेंट। इसमें आप वैसा नहीं हो सकता है कि बजट में जो आया अनाउंस कर रहा है TV में, वो आ रहा है YouTube में, वो आ रहा है, आप नहीं कर सकते। खुद से स्टडी करो, जो मैंने बताया वो सब थीम को एक एक करके गूगल करो, एक एक करके उसका स्टॉक्स निकालो। 27 थीम्स में अगर आपको
अप्रॉक्सीमेट हर एक सेक्टर में 3 स्टॉक मिल जाता है, तो आपका 80 स्टॉक्स होगा। 80 स्टॉक्स में आपको रखना कितना है, 15 से 20 स्टॉक्स लेना है, उससे पिक करो, बस दैट्स इट। और इतना सिंपल है, मैं आपको 27 जो मेन पॉइंट्स था वो सारा यहाँ पर बता दिया। तो वीडियो इतना लॉन्ग ना करने का इरादा था मेरा, क्योंकि इतना लॉन्ग हो जाता है वीडियो कभी कभी, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको आप ऐसे प्ले कर सकते हो, आप इसको देखो कि इसका कैसा वैल्यूएशन है, और इसका प्राइस देखो, टेक्निकल और फंडामेंटल का एक मिक्स बना लो, कॉम्बो बना लो हल्का सा, देन आप इसमें लगे रहो। और इसमें ट्रेडिंग मत करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें ट्रेडिंग के लिए पर्पस से नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। ये डिकेडल थीम से मैं बोला, ये डिकेड्स के लिए है, फॉर डिकेड्स, यू नो। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है स्टॉक्स को, जब भी मार्केट में जर्क्स आएंगे देन धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट करो इस स्टॉक्स को, थोड़ा सा आप पैसा थोड़ा थोड़ा डालो, धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करो, देन धीरे धीरे इसको आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो इसके अराउंड। और जो आपको मैंने जो सेक्टर दिया लास्ट में कि इस मिनिस्ट्री को इतना इतना पैसा मिल रहा है, उस डिपार्टमेंट में आप स्टॉक्स ढूंढो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, इन सब में आप स्टॉक्स ढूंढो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, उसमें आपका स्टॉक्स ढूंढो, देन उसके हिसाब से आप उसको धीरे धीरे एलोकेट करो मनी, धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करो स्टॉक्स को, देन मार्केट कहीं नहीं जाएगा, भागा नहीं जा रहा है, एक दो जग्स आएंगे, उसमें आप धीरे धीरे स्टॉक्स को बिल्ड करो। और ये आपको एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं है कि आज लिया 3 दिन बाद बेच दिया, नहीं, ये आपको 3 साल 5 साल 10 साल रखना है। तो यही था बजट में, और कुछ खास नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा के रख जाना, ताकि मैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ मार्केट के बारे में, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, देन आप उसे यूटिलाइज कर पाऊँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।